हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो भूतपूर्व सैनिक है उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए अभी एक लेटेस्ट ऑर्डर आया हुआ है जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो पॉइंट्स है वो सभी जो एक्स सर्विस मैन हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्स सर्विस मैन के लिए है और उनके डिपेंडेंट्स के लिए है। और अभी आप जैसा जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन ये है कि अगले जो है 21 दिन तक जो है लॉकडाउन कर दिया गया है, तो किस तरीके से जो है आने वाले टाइम में काम होना है, प्लस जो एक्स सर्विस मैन है वो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, प्लस उनके लिए जो अभी नई फैसिलिटी के बारे में जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है उस फैसिलिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो है WHO की तरफ से भी जो है निर्देश आए हुए हैं। तो हम एक्स सर्विस मैन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये COVID-19 है ये सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है या सबसे ज़्यादा जो जिनको दिक्कत करता है वो सीनियर सिटीज़न को करता है। इसी को देखते हुए जो है अभी जो भी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए जो अभी ऑर्डर आया है, तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इस ऑर्डर में और किस तरीके से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक्स सर्विस मैन के लिए, इसमें बेसिकली जो है जो कल का जो लेटेस्ट ऑर्डर है जिसमें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है जो कि WHO की तरफ से आया है, जो भी एक्स सर्विस मैन है जिनको कि जो है कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि लाइफ टर्म चलनी है, जिनकी की दवाइयाँ काफ़ी टाइम तक चलनी है, उनके लिए नाउ दे कैन परचेज, आप अपने आप वो दवाइयाँ जो है 1 महीने की परचेज कर सकते हैं। 1 month रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल मेडिसिन बेस्ड अपॉन द प्रिस्क्रिप्शन हेल्ड, जो भी आपके पास ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन है वो आप परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला, या तो पॉलीक्लिनिक से या सर्विस हॉस्पिटल से या इम्पैनल हॉस्पिटल से। तो जो अप्रैल मंथ का है, क्योंकि मेन चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो अगर वहाँ जाएंगे आप पॉलीक्लिनिक में वहाँ बहुत भीड़ होगी, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसमें लिखा है कि नीड टू गो टू पॉलीक्लिनिक्स टू कलेक्ट द मेडिसिन फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। एक साथ जो है आप जाके जो अप्रैल का है वो आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मे परचेज 1 month रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल मेडिसिन बेस्ड अपॉन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 इरिस्पेक्टिव ऑफ NA और अदरवाइज। 1 time सेंक्शन इज हेयर बाई अकॉर्डेड टू रीइंबर्स। तो जो मंथ ऑफ मे है उसमें आपको जो है इसका रीएम्बर्स करवा सकते हैं, और ये जो है इमीडिएट इफेक्ट से जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों, ये था बेसिकली आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी एक सर्विस मैन के लिए। और दोस्तों, जैसा कि हम हर अपनी वीडियो में कहते हैं, कोई भी हम ऑर्डर शो करें या कोई भी इसकी ऑर्डर कॉपी देखें, आप इसको एक बार जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिए, इसको कन्फर्म कीजिए, उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। तो मेन चीज़ ये है कि इसीलिए हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको आप पॉलीक्लिनिक में ज़रूर कंफर्म कीजिए कि जो अप्रैल मंथ का जो भी मेडिसिन है वो जो है देना शुरू कर दे, या आप परचेज कर सकते हैं और मई मंथ में आप जाके इसको जो रिएम्बर्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनके आश्रितों के लिए जो मेडिसिन से रिलेटेड था और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।